ये उनका उद्देश्य है। इसको लेकर जो है तो वो एक खेल खेल रहे हैं पूरे भारत के अंदर, जिसके अंदर जो है तो ये ना संविधान का पास लिहाज रखते हैं, ना यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का जो है तो पास लिहाज रखते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि संघ परिवार बीजेपी का जो एजेंडा है, वो एजेंडे में कई सालों से हम देख रहे हैं कि देश का पूरा मीडिया, गोदी मीडिया जो है तो इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, और वो आज टीवी के अंदर अपने जो है तो डिबेट के अंदर और लाइव प्रोग्राम्स के जरिए जो है तो वो आरएसएस के एजेंडे को चला रही है। लेकिन इससे बढ़ के अफसोस की बात आज हमको और ये समझ में आ रही है कि देश के अंदर जो जुडिशियरी सिस्टम है, जो अदालतें हैं, ये अदालतें जो है तो संघ के विचारधाराओं के ऊपर काम कर रही है और संघ की विचारधाराओं के ऊपर फैसले दे रही है। इसका मतलब यह होगा कि आज हमारी जो अदालतें हैं, ये अदालतों के ऊपर भी संघ ने अपना प्रभाव बना लिया है, जिसकी वजह से इन्हों जो है तो ये संघी विचारधाराओं के ऊपर फैसले सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारा डिमांड है, सबसे पहले जो कायदा बना हुआ है धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर 1991 का कायदा, वो कायदे के तहत पूरे देश के जो धार्मिक स्थल है इसको सुरक्षा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद आ गया है और खुद जो है तो संज्ञान ले। और साथ ही साथ ऐसे जो साजिशें करने वाले लोग हैं, जो मुल्क के अंदर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत जो फैलाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सख्ती, अपनी सख्ती और नाराजगी जाहिर करके इनको लगाम लगाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट करे। क्योंकि जो मोदी सरकार बैठी है केंद्र के अंदर, ये मोदी सरकार से भारत की जनता को अब कोई उम्मीद नहीं है। अब हमको यकीन हो गया है कि मोदी की जो सरकार है, ये केंद्र के अंदर जो बैठी हुई सरकार है, ये सिर्फ आरएसएस के एजेंडों पे काम करने वाली सरकार है। ये संविधान के लिए, भारत के नागरिकों के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है ये। इसके लिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले और खुद जो है तो हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए, नागरिकों के अंदर देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गया है। और उसी के साथ साथ पूरे देश के नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर समाज के लोग ये हिंदुत्वादी एजेंडों को खत्म करने के लिए, हिंदुत्वादी एजेंडों की नफरत के एक माहौल को खत्म करने के लिए एक साथ एक होकर जो है तो सब लोग आपस में मिलजुल कर जो है तो सड़कों पर आए। एसडीपीआई हर तरह से जो है तो संविधान बचाने के लिए नागरिकों के साथ में खड़ी है और आखिरी हद तक खड़ी रहेंगी और अपनी हर कोशिश जो है तो भारत के संविधान के लिए, यहाँ के पीस और मेंटेन पीस को जो और शांति को बनाए रखने के लिए एसडीपीआई अपना संघर्ष करते रहेंगी। का नाम बोलिए। मेरा नाम सैयद कलीम है, महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एमसीएन समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।